पटना से बड़ी खबर, नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज पांचवा दिन है। सरकार ने अब तक कर्मचारियों की मांग नहीं मानी है। कर्मचारी आज सीएम आवास का घेराव भी कर सकते हैं। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी। 8000 कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काम को ठप कर दिया है, इससे सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है। सफाई कर्मी नहीं उठा रहे हैं पटना का कचरा। कई रिहायशी इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता उत्कर्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, नगर निगम कर्मचारियों का आज पांचवा दिन है जब वो हड़ताल पर हैं। क्या इस मामले को किसी ने अब तक संज्ञान में लिया है? क्या पूछताछ की गई है कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए मांगे साफ हैं कि तीन सूत्री जो मेन मुद्दे हैं वो है। हालांकि कुल अगर मांगों की बात की जाए तो नगर निगम के कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगे हैं। हालांकि देखिए पांच दिन, आज पांचवा दिन है जब ये तमाम कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार जो है इनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं, इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। साफ इनका कहना है कि तय समय से इनकी जो बातें हैं, इनकी मांगे जो है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे में सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि ये कार्य कर सके। हालांकि जो तमाम 8000 कर्मी है उनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। वहीं अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो कई जगहों पर कचरे का अंबार जो है लक्ष्मी वो नजर आ रहा है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर कचरे का ढेर जो है वो नजर आ रहा है। पटना नगर निगम के कार्यालय के बाहर ही कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, और ऐसे में जो पानी है वो भी लगा हुआ है, तो डेंगू के मच्छर जो है वहां पनप रहे हैं। ऐसे में अगर कचरे का अंबार होगा तो कई बीमारियां जो है वो उत्पन्न होंगी। लेकिन अब तक जो सरकार है ना तो उनसे बात कर रही है, ना ही उनके मांगों को पूरा करने की आश्वासन जो है वो दे रही है। लक्ष्मी, उत्कर्ष, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं नगर निगम कर्मचारियों के? देखिए आमतौर पर जो ये तीन मांगे जो है वो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें जो न्यूनतम वेतन है उसे बढ़ाने की बात जो है उनकी की जा रही है। साथ ही साथ सामान्य कार्य को लेकर सामान्य वेतन, और साथ ही साथ तीसरी जो अहम मांगे है कि जो कई सालों से जो कार्य कर रहे हैं उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।